सो गाइस फाइनली आयुष्मान भारत कार्ड की मदद से आप लोगों को 5 लाख तक बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग कोई भी हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या तो कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, आप लोगों पे इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिया जा रहा है आयुष्मान भारत कार्ड की मदद से। सो अगर आपने आयुष्मान भारत कार्ड को बनाना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल फोन से एक कार्ड को बना सकते हो। सो इधर आपने वेस्ट बंगाल से और आपने वेस्ट बंगाल से बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे, ये भी आप लोग को आगे बता दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट जरूर देख लेना है। सो इसमें आप लोग को ये बेनिफिट होगा, अगर आपके पास पैसा नहीं भी रहेगा तो गाइस आप मुफ्त में इलाज करा सकते हो, जिसमें आप लोग को 5 लाख तक बेनिफिट दिया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से आप आयुष्मान भारत कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और भी आप अपना मोबाइल फोन से आप आवेदन कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से आयुष्मान भारत कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ गया हो तो चलिए सिंपल आज का जो काम है पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू मैं करने वाला हूँ। सिंपल मैं पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन कर लिया, सिंपल में ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दूंगा, आप भी ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना। सिंपल आपको नीचे की ओर आना है। जैसे कि आपने नीचे की ओर आगे सिंपल लिखा रहेगा पेटीएम हेल्थ, तो वैसे में देखिए व्यू मोर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपने व्यू मोर पे क्लिक करोगे आपका सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। सिंपल आप क्या कीजिए, जहाँ पे लिखा देगा PMJAY, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे आपका सामने इस प्रकार से आ जाएगा। सिंपल देखिए चेक एलिजिबिलिटी, आप यहाँ पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। फाइंड हॉस्पिटल पे क्लिक करके आप चाहो तो हॉस्पिटल भी फाइंड कर सकते हो। आप चाहो तो देखिए कॉल हेल्पलाइन, आप जो हेल्पलाइन पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, सिंपल चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या है, आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जो भी स्टेट से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए। चलिए मैं सिंपल वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँ, देखिए सर्च बाय नेम, आप चाहो तो सिंपल आप नेम से सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे दिया, अपना फादर नेम दे दिया, उसके बाद सिंपल अपना डेट ऑफ बर्थ को भर दिया, अपना स्टेट को दे दिया, उसके बाद से मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। जैसे कि सर्च पे क्लिक आप देख सकते हैं पे नो रिकॉर्ड फंड, इसके मतलब एक ही देख सकते हो अभी मुझे यहाँ पे आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मैं आपको ये भी बता दूंगा। सो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने वेस्ट बंगाल से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो तो गाइस आप जो ना आयुष्मान भारत कार्ड आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि अभी भी जो ना पे ये सर्विस चालू नहीं किया वेस्ट बंगाल पे। अगर आपने दूसरा और कई स्टेट से तो बहुत आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता छोड़ दो, कलकत्ता में नहीं होगा, जैसे कि आप जो ना दूसरे स्टेट से काम कर सकते हो, पर वेस्ट बंगाल पे अभी भी ये योजना चालू नहीं किया। तो चलिए मैं सिंपल बैक कर देता हूँ। आप चाहो तो सिंपल फाइंड हॉस्पिटल पे क्लिक करके आप वेस्ट बंगाल का हॉस्पिटल भी फाइंड कर सकते हो। चलिए सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे आप स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ सिलेक्ट देखिए हॉस्पिटल आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो कि कौन सा हॉस्पिटल पे क्या क्या इलाज होता है, आप इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल पे ये जो ना योजना भी चालू नहीं किया, जिसके कारण मैं आप लोगों को आगे नहीं दिखा पा रहा हूँ। आपने दूसरा कोई स्टेट से हो तो आप इस प्रकार से आप जो ना कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, आपका कार्ड बन जाएगा। और देखिए आपको मतलब हेल्प चाहिए कोई, जैसे मैं कॉल देखिए कॉल हेल्पलाइन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं पे ये नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना मोबाइल फोन से पेटीएम एप्लीकेशन की मदद से आयुष्मान भारत कार्ड को आप बना सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सिंपल नीचे दिया रेड बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छा रहिए, अपने ख्याल रखिए। ओके बाय।